हेलो दोस्तों, उपस्थित हूँ एक और जानकारी के साथ। और आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टेबलेट NFI के बारे में। दोस्तों, ये टेबलेट विटामिन बी ग्रुप से संबंधित है, जिसमें तीन विटामिन है, विटामिन B1, B2, B6। तो आइए दोस्तों, जानते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टेबलेट किन समस्याओं में काम करती है, इसको ली जाने वाली डोज क्या है, और साथ ही जानेंगे इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल में जैसा हमारा खाना पीना है, उसमें प्रॉपर तरीके से पोषक तत्व नहीं मिल पाते। इसलिए पोषक तत्व की कमी को पूरा करने के लिए ये टेबलेट डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। ये टेबलेट कमजोरी को दूर करके एनर्जी को बढ़ाती है और इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है। दोस्तों, ये टेबलेट डॉक्टर द्वारा न्यूरो संबंधी समस्याओं जैसे तंत्रिका संबंधी समस्याओं में भी प्रिस्क्राइब की जाती है। गठिया की समस्या, जोड़ों और मांसपेशियों का दर्द, बेचैनी और हाथ पाँव में झुनझुनी सी होना जैसी समस्याओं में भी ये टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों, बालों का झड़ना या सफ़ेद होना, मानसिक समस्याएं, आधा सीसी माइग्रेन की समस्या में भी ये टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। एनीमिया की समस्या, खून की कमी या फिर किसी भी कारण से आई शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए भी ये टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। तो दोस्तों, कई प्रकार की समस्याओं में ये टेबलेट लेने की सलाह दी जाती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टेबलेट की डोज के बारे में। दोस्तों, इसे रोज़ाना एक टेबलेट लेने की सलाह दी जाती है खाने के बाद में। लेकिन दोस्तों, अगर आपको गुर्दे संबंधित कोई समस्या है, लीवर संबंधित समस्या है या फिर पेट में गांठ है, तो फिर ये टेबलेट लेने से पहले आप डॉक्टर से सलाह ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, जानते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टेबलेट से होने वाले कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। दोस्तों, इस टेबलेट को लेने से बेचैनी और स्किन संबंधी समस्या जैसे कि खुजली और स्किन पर लाल दाने आने जैसी समस्या हो सकती है। इसके अलावा पेट संबंधित समस्या जैसे कि दस्त, मतली और उल्टी जैसी समस्या हो सकती है। इसको लेने से अधिक नींद आना या फिर आप कमजोरी महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार के कोई भी लक्षण नज़र आए तो आप डॉक्टर से बात ज़रूर करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेडिसिन संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हम आप तक पहुँचा सकें।